हेलो ट्रेडर्स, दिस इज डे 31 ऑफ ग्रोइंग 10 to 100 फ्रॉक्स ट्रेडिंग चैलेंज। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट में मैंने आज ली थी दो ट्रेड, जिसमें देखे तो दोनों ही ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और हमें अच्छा खासा यहाँ पर लॉस भी देखने को मिला है। तो यदि मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊँ कि ये ट्रेड किस लॉजिक पर लिए गए थे, तो जिसमें देख सकते हो मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ पार करने के बाद देख सकते हो मार्केट में नीचे की तरफ मैं वापस फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसमें देख सकते हो इस कैंडल की नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, लेकिन उसके बाद देख सकते हो हल्का सा नीचे जाकर मार्केट स्ट्रेट ऊपर गया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद देख सकते हो मार्केट फिर भी यदि स्पाइक नहीं देता तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, लेकिन देख सकते हो मार्केट फिर से नीचे आता है। फिर यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने एक एंट्री और बनाई थी, जो कि बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट देख सकते होगी इन्वर्टेड हैमर बनाकर मार्केट देख सकती होगी वापस नीचे की तरफ। मैं क्या यहाँ से नीचे आ सकता, लेकिन मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाकर वापस स्ट्रेट ऊपर चला गया, इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोनों ट्रेड में लॉस होने के बाद देख सकते हो, यदि मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊँ तो देख सकते हो कि हमें आज का जो ओवरऑल लॉस हुआ है वो $3 का हुआ है और दोनों ही ट्रेड हमारी गोल्ड में थी, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। और साथ ही हमारा अकाउंट जो हम इसको 30.27 US डॉलर तक लेके गए थे वो अब वापस आ चुका है $8 के आसपास, जिसमें देख सकते हो $8 में भी 0.8 USD कम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अपनी जर्नी को लाइव रखेंगे मार्केट में। यदि हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते या फिर कुछ जो भी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ वो सब आपको बता ही रहा हूँ। साथ ही साथ देख सकते हो कल हमारा अकाउंट जो था नेट टू नेट था, लेकिन आज हम फिर से $3 के लॉस में। अब देखते हैं कल किस प्रकार हमें तो कुछ अच्छी ट्रेड मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। और उसके जैसा कि मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ तो इसमें कौन सी मिस्टेक हो रही है, नहीं कर रही हुई है, तो कमेंट करिए जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नई लर्निंग के साथ नए वीडियो में।